सभी श्रोताओं को मेरा राम राम सा। तो आज आपने कहानी सुनावा विश्वासघात की सजा। सुनाओ राव जी। तो कई योसा अयोध्या नगरी माते राजा राजपाट कर आगो दियो पाचो पड़तो बे माता को दो दलती चांद सूरज रसोड़े तपता एकू की घड़ी लाख लाख री काटता कोई बात की कमी ही को नहीं सब। तो अवे राजा साहब राज करे और जनता री सेवक। तो बा राजा रे बबलू सिंह जी ते लड़का अरे जने राजा साहब जने आज पहली री टेम में ठेर टू ठेर तक परंपरा है। हाँ सर। के प्रथम लड़को मोब रोए उतो। हाँ सर। वो राजा बनत उत्तराधिकारी। हाँ लड़का तीनों ही कासा बड़ा होगा। हाँ सर। बाल लड़का रे बीच में दो दो साल री छेटी। अरे जने अवे तीनों ही मोठिया और राजा साहब की ओरे आणवू आपा परीक्षा लेम और उत्तराधिकारी लड़को कौन बने और क्यों नहीं बन सके और आणी आपा ज्ञान लेम परीक्षा लेवा और आपा ने तो बनानो तो पहल पोत जो लड़को है जिकने। अरे पण आण में होशियार बुद्धिमान कौन है एवं गण बबलू सिंह जी तीन नहीं आप रे खन्ने बुला एन आप रे वे वातावरण करे। अरे जने मोठोड़ा लड़का ने पूछियो राजा साहब। राजा साहब कहो हे लड़का विश्वासघात करे जिकने कई सजावण क्यों पिताजी विश्वासघात करे जिकनो तलवारूं भी नी घाटी काट देनी चाहिए क्यों ठीक। दूसरा लड़का ने क्यों बोल बैठा क्यों पिताजी बड़ा भैसा बिल्कुल सही बोलिए। अरे हाँ मैं हाँ मिली क्यों हाँ ए बिहारलाल भाई केवे विश्वासघात करे जन विने या तो फांसी देनी या तलवारूं घाटी लिजा बाजार में काट देनी मौत रे काट उतार देनो एव गण बबलू सिंह जी दोनों ही तो बाप सहम उतर दिए। अरे सहमति ही हाँ। तीसरा ने पूछो रे बेटा आप बताओ विश्वासघात करे बिने कई सजा दे। अरे ओ क्यों पिताजी विश्वासघात करे बिने सजा तो मिले पण बिनो खाल निकाल निकालनो चाहिए। अगर कोई विश्वासघात करे कोनी एन आपा बिना होनी बिना देख एन बिनो आपा सोचला के अपन में विश्वास कर अरे घात करियो तो अनजान में बिने कोई मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। हाँ साहब। पिताजी क्यों बेटा किकर क्यों पिताजी मैं आपने कहानी सुनाऊं और आप कहानी अरे क्यों सुनाओ बेटे तो वो क्यों सुनो पिताजी। अरे क्यों ये राज्य रो राजा साहब। अरे राजा साहब आ जाने राजा साहब रे तोतो जो को तोतो पाड़ियो। हाँ सर। अब वो तोतो पाड़ियोड़ो तो वो तोतो मेला मेरे। हाँ सर। तो भी तोता ने स्वतंत्रता है पिंजरा में बंद करियोड़ो को। अरे अब वो आपरी इंचो मेला में जट्टे बैठे जट्टे वो बैठ सक। हाँ सर। तो वो तोतो रहे बटे और राजा और रानी भी नू प्रेम करे। हाँ सर। और बढ़िया भी ने खानो और चुगो देवे पानी पिलावे सेवा करे।
तो अब वो तोतो रेवे तो यू करता करता तोता रे और राजा साहब रानी साहब रे बहुत बढ़िया प्रेम बंद गियो हो। और तोतो बहुत ही बढ़िया बुद्धिमान रे और आयो गियो आवे जिको राम राम करे मिट्टी बाणी बोले। तो अब एक दिन तोतो मन में विचार करियो अरे के रे माता है पिता है आशा माता जी पिता जी मिलिया वा और फिर बाद में फाचा टैपा आई जावा जड़े। एक दिन राजा साहब ने क्यों राजा साहब मारी आज इंचा होगी मारी गरी अर आएगी मारे मन में आएगी मारी माँ बाप री और पंद्रह एक दिनों मैं आप रे पाचो आ जाऊं। राजा साहब कियो अब वो मनु कहवे इन्हें नहीं भेजा तो यो पक्षी हाँ सर एन माँ बाप री या तो कड़े नहीं अजवे अज क्यों रे तोता पंद्रह दिनों बत्तो भाई थारे रेज मत हाँ सर एन मैं तने छूट दे देऊं। अब अवलू सिंह जी वो तोतो भूगो जो को बटू उड़ियो उड़ान भाई हाँ सर एन जटे माता पिता रहता एन बटे वो तोतो जातो रियो है। अब वो तोतो गियो अवलू सिंह जी बिनो पिता बड़ो राजी हाँ सर तोता ने कियो रे तू आयो जन थारी माई बड़ी राजी रे। अब आ माई अड़नो चुको करण आई अब अवलू सिंह जी ये परिवार आता यहाँ करे एन माँ बड़ी खुशी बेटा यूं कही एन माँ ने भूल गो अरे क्यों माँ जी मैं भूलियो कौन भूल तो जना तो पाचो आल तो को कोनी आल तो एन माँ जी अड़ो मैं दोरो हूँ को कोनी एन आप चिंता मत कर हाँ सर मैं स्वतंत्र हूँ आजाद हूँ आजाद हूँ अगर मैं चाहूँ तो आप रे कोई टाइम ही आप मैंने पुकारो तो मैं आप रे हाजरे हाँ और मैं कोई कैद हूँ कोई कोनी हूँ। अभी उगण बोलू सिंह जी वो टेरे वे और रोजना अब मिना माँ बाप नु लाड करे बहुत ही काशा दिन आए हाँ अब यू करता करता बाणा बाता में दिन जावे अरे अब बोलू सिंह जी गिनती रा दिन तो कह नहीं बेग गई जावे पंद्रह दिन नेड़ा आऊ लगा एन तो कियो कियो पिताजी और माताजी अब मारे राजों कोल अरे एन अब मैं पाछो जाऊं। अब अवलू सिंह जी पाछा रो कियो एन मात पिता उदासीन अरे उदासियां तो कियो आज पिताजी मैं आकड़ी की ना उदास की क्यों बेटा उदास कौन पंद्रह दिन रियो जन मानो जीव परी रे एन पंद्रह दिन का ही तू अब इतना दिन रियो अपन माने तो लागे एक दिन रियो हाँ सर तो मैं हमें थारे तू राजा रे बटे जाए मैं थारे सागे कीन की हेलानी भेजा हाँ सर जो को तू राजा ने दे दे जे क्यों पिताजी दे दो और मैं ले जाऊं। बटे बबलू सिंह जी पाड़ा रे मैंने अमर फल अरे जिगनो पेड़ लागोड़ हाँ सर तोतो की ओर बिनो लड़ पिता की ओर तोता क्यों आप पिताज क्यों अमर फल है ओ तोड़ लाऊं जो को थारा राजा ने दे दे जे जो को थारा राजा खाई ले जने अमर हो जाई क्यों पिताजी एड़ी बढ़िया है लड़ी देवो जने तो बहुत बढ़िया अरे ये गण बोलू सिंह जी अब तोता रो पिता गयो पाड़ा रे में जा बढ़िया पाकोड़ो फल दे एन बिने लड़का ने तोता ने लान दी कियो अमर फल हो अमर अमर फल वो ने क्यों ले भाई आराम ले जा जे एन राजा साहब ने कह जे के आप राजा साहब खाई ले जो एन आप अमरे जाओ बूढ़ा रा जवान बन जाओ क्यों बेटा जी आप क्यों जकी मैं सगली बात बता दे अच्छी भेंट दी थे
एवं गणबलु सिंह जी चौंच में पकड़ अब वो उठू सुओ तो उड़ान करिए। अरे तो बलू सिंह जी राजा रो दरीखा नो राजा रो गांव आगो पड़ता। हाँ सर। अब तो अब बीच में सास खावे अब उड़े उड़ता उड़ता बबलू सिंह जी तोता ने बटे मार्ग में बा रात पड़ गिरी ही रात पड़ गई जाना बबलू सिंह जी तो की ओर राजा रे उठे तो जाई चुप। हाँ सर। नहीं है वे तो अटे दरकत घने। हाँ सर। आप अटे रात रुक जावा तो बबलू सिंह जी बढ़िया दरकत दे एन की ओर अमर फल कट मैं ला। अरे एन अमर फल पेड़ माते ठहरे को कोनी एवं गण बबलू सिंह जी वो निजर फैलाई। हाँ सर। निजर फैलाई पेड़ रे कोई खोकाली अब बिने पेड़ रे खोकाल में की ठहरे जी हूँ। अरे बिलटाई। हाँ सर। बीर महीने बिने फड़ने ठहरा दियो है एन आप तो बबलू सिंह पेड़ रे माते बैठो बैठो आप रे नींद लेवे एन कणी जागे एन कणी नींद लेवे एन कणी फल रो ध्यान धरे बे बबलू सिंह जी खोकाल में वो खाडो हो बिर में एक सर्प रे जरी बहुत सर्प बटू बारे आयो बारे आवे तो आगे देखे तो बबलू सिंह जी वो फल पड़ी। अरे फल दे ये क्यों क्यों रे कोई चीज है आप खान देख। आशा अब बबलू सिंह जी भी फल ने सर्प देवता मुंडो गालियो गालियो तो वो फल करो भी ने लागो हो कोनी जन बबलू सिंह जी वो दांत दांत मांडिया। अरे दांत मांडिया जन बबलू सिंह जी बीर महीने सर्पाड़ो जेरो जको भी ने फल में जातो रियो एन सर्व देवता तो फाचा आपरे अबिल में बढ़ गया। सुबह दिन उगो एन तो बबलू सिंह जी भी फड़ने लेन उड़ान पर। अरे उड़ान भरी एन राजा रे मेला में आ गियो है राजा रे मेला में आने के राजा साहब मैं आई गो आपरे 15 दिन कह उतर और मैं वादो पक्को को कॉल करियोड हो कॉल हो कॉल रे मुताबिक एक दिन आगो पाचो यो को कोनी एन राजा साहब राते ही रात पड़गी जने बारे रात रेणो पड़ियो हो तो राजा साहब मारे माता पिता आपरे भेट भेजी बढ़िया। हाँ अमर फल। अरे जगो आप जीम ले जो जगो आप अमर हो जाओ और बूढ़ा रा जवान बन जाओ क्यों ठीक। अब बबलू सिंह जी वो फल ने राजा साहब आप रे रख दियो एन क्यों रे मंत्री है संतरी बने भी बुलावा एन फिर बाद में अपा खावा। अरे अब बबलू सिंह जी वे मंत्री संतरी वे आजरिया हगड़े ही बटे भेड़ा होगा। हाँ सा भेड़ा या एन क्यों रे अमर फल है एन थारे आगे जिम जो को आ बैठा हो एन जे कोई आप रे दिमाग में कोई रे बात है तो मन के दे जो। एक मंत्री बोलियो राजा साहब अमर फल आप जिमो एन मैं ही आ चाहूँ के मारे राजा री उम्र और डबल हो जावे तो मैं हो रहा हेमा तो राजा साहब मैं तो आपने बूढ़ा रा जवान ऊंचा हो जाना तो कहीं बढ़िया बात मैं तो आज काम ना करा पर आप एक बार काम करो राजा साहब। अरे क्यों बोलो मंत्री जी कियो इन महीनों आप चौथो हिस्सो काटो अमर फल। हाँ सर। एन एक जिनूर ने एन आप ताड़ो कार्ड लेवो अगर जिनूर खाई एन जिनूर की बिगड़े कोनी जने आप रे की बिगड़े को एवं गण बबलू सिंह जी चौथो ईशो अमर फलो जिकमू काट बारे ना दियो बटे उड़तो उड़तो को कागलो आयो। अरे
बो बोलू सिंह जी बिर में मुंडो दी। हाँ सर। मुंडो दियो थोड़ो टाँच डुबोई एन वनो क्यों के कागलो हर चीज फेंके देने खट कागलो आवे। हाँ सर। बिर में मुंडो दे। अरे एन भी ने थोड़ो पीक मुंडा में गियो वो जेर एन बबलू सिंह जी वो को वो कागलो खत्म हो गियो। कागलो खत्म यो बबलू सिंह जी एन राजा साहब ने मंत्री गियो राजा साहब ओ तो आपने मारन आलो प्रोग्राम करियो। अरे जने आपने वो अमर फल दे दे तो अमर फल दे खाउता जने आप तो मर जाता। हाँ सा एन ओ आप रे राज कई काम आओ तो मन दुखी कर दे तो राजा साहब ने बोलू सिंह जी रीस आई एडी री जाड़ छोटी छोटी री जाड़ एडी। अरे एन रेखी बगल मुंह पड़गी पिपाड़ी रिखा बाजार में। अरे एन बबलू सिंह जी फाची रीस मेड़ में आई को होनी राजा साहब की हाजरिया आ पोरा दारा एन तोता ने लिजा एन तोता री गांठी उड़ा देवो एन तोतो तो अपने साथ में विश्वासघात कर पियो है एन भी ने बेटों बतो जान। हाँ बोलू सिंह जी तोता ने तो खत्म कर दियो। अबे तोता ने खत्म करियो है बबलू सिंह जी तो वो फल बबलू सिंह जी तीन ईसा लिया। हाँ सर। एन की और हाजरिया ओ फल है औरों कोई आदमी खजे या कोई जिनोर खजे इन्हें आप अपने अठे बारे जमीर में गाड़ दो खाडो खोद। अब बबलू सिंह जी भी ने जमीरे महीने खाडो खोद एन भी ने फलने बूर दियो है फलने बूर यो बबलू सिंह जी बरसात री आई मौसम। हाँ सर। एन बरसात बरस अरे बीर में बीज बीज रे कारण बबलू सिंह जी वो अमर फल रो पौधो बना गियो पौधो बनियो बबलू सिंह जी ने यो बड़ो। हाँ सर। बड़ो यो बिन जड़ा जड़ा फल लगा। हाँ सर। फल लगा राजा साहब मन में विचार करी अरे क्यों रे वो अमर फल लायो जो को अमर फल कोनी है वो तो मरे जो को फल है। हाँ सर। मिन मार फल है और ये फल ने कोई खाएगा नहीं तो मिनक मर जाए तो बोलू सिंह जी हाजरिया ने क्यों रे हाजरिया ये फल रे चारों मेर तो कर दो तार बंदी एन चार आदमी रुकाड़ा रे हो। अरे कोई भी फल खावे जिका ने फल खाऊं देनो नी एव गण बबलू सिंह जी तार बंदी कर चार पोरा इत बटे उबारा दिया है अबे निंगरा के कोई फल खाएगो तो मर चवला बा डूंडी पिटाई दी दो। हाँ सर। जाने पूरा नगर में बात फैल गई अरे क्यों एक राजा रे मैदान में फल है जो को खाते ही लोग खत्म हो जावे बटे बबलू सिंह जी भी नगर में एक बुड्ढो बुड्ढी रे। हाँ सर। जकी मेरी औरत लुगई बुड्ढी और वो मिन की बुड्ढी अरे तो वे बड़ा दुखी। हाँ सर। अब वे सुबह लावे तो शाम को नहीं शाम लावे तो सुबह को बड़ा दुखी। हाँ बड़ा दुखी। अब मैं मन में दोनों ही मन में सोचे के भगवान मैं आत्महत्या कर एन खत्म है जब अरे एड़ी बाणे मन में विचार। हाँ सर। अभी लुगई रही वही विचार अवे एन भी ने गर्दन रही वही विचार। हाँ सर। यूं गर्दा गर्दा बबलू सिंह जी बे बा अमर फलाली बात बारे काना जाती जीवी है कि वो एक राजा रे उठे पेड़ उबो एन बिनो फल खा जावे जने
दूजो जेर एर खाउनी जरूरत कोई कोनी, वो तो जहरीलो फल है, जहरीलो फल है, फल खाओ तो ही मरनो पड़ी। अरे ओ क्यों ये पशी अशी खावा दोरा मर एन भेरो बावड़ी में पड़ा तो ही मरा नहीं मर। ओ एक फल है अमर, इन खाईला जन हाव होरा होरा मर जावा झटके ही। जगो मैं जाऊं जगो पोरई ते बने नींद आई जन छने तोड़ लेना आ जाऊं। एव गण बबलू सिंह जी वो बूढ़ो आदमी हो जगो बटे पेड़ लगोड़ो। अरे बटे वो जातो रियो है। अब पोरई था तो बबलू सिंह जी दिंद्रा तो रुकड़ा रेव तीज। हाँ सर। अब रात्रि टेम है बबलू सिंह बने नींद आई की भी है नींद आई। वो बूढ़ो आदमी वो जो बबलू सिंह दो फड़ा दो ही फल चाहिए था। अरे वो दो फल लेन बटुआई गियो दो फल ला एन बबलू सिंह जी डोकरी ने आपरी घर लेने की। हाँ सर। कियो ओले एक तो थू खाई ले और एक में खाई ले एन आराम खावा जने आराम ही मरा। हाँ सर। एवं गण बबलू सिंह जी दोनों ही फल खा लियो है फल खा बबलू सिंह जी है तो माते चादर चादर ओढ़ एन आपरे डोलिया माते हु गिया है कि और आत्रा मर जावा सुबह मिनक बाढ़ दे। अब बबलू सिंह जी सुबह दिन उगोन ए तो फाचा देखिया तो मरिया को कोनी एन शरीर में देख देखे तो ये तो बूढ़ा रा जवान बन गया। अरे ओ क्यों रे शरीर में बैठी ताकत आएगी आने खाणो एन लोग तो कहवे को फल खावे जाने मरे। अरे एन आपा मरिया को कोनी लोग झूठा है। एवं गण बबलू सिंह जी बे आड़ोशी पड़ोशी बाने देखिया। अरे एन बेटो रौनक अलग। हाँ सर। क्यों रे आरो तो चारो ही पलट गो तो चेंज होगा एन मोटियार बढ़गा दोनों ही। अरे एन बात बबलू सिंह राजा खन्ने की हमें राजा साहब क्यों रे यो कहीं बूझो आने मोटियार किकर बनिया। हाँ सर। बुलाया बबलू सिंह राजा दरी खाने एन दोनों हाजरी या जो राजा साहब मैं दोनों दुखिया बहुत सुबह लावा तो शाम नहीं शाम लावा तो सुबह हो कोई कोनी और मांग मांग खावा जन किकर टेम पास करा तो माखरी में तंगेगा। अरे अब मानो आली जेनी चाली जेनी ने मानो मांगी जे क्यों। अरे जन काटा काया एन मां कियो के राजा साहब रे एक फल उगोड़ो जब वो फल खावे जको खाओ तो ही खत्म हो जावे जने राजा साहब मैं रात आयो छाने छुरके चोरी कर एन दोनों जना फल खाई लियो एन राजा साहब मातो मोटियार बनगा मरिए को बनी एन राजा साहब दोनों ही कान पकड़िया कि ओरे आपा तो तोता ने झूठो ही मराय दियो एन ओ जको फल बूरियो लरू इर में बीजा जको फल उग गिया एन हकीकत में ओ अमर फल। अरे अमर फल है और रस्ता में आयो जने कोई जीव इन महीने टोच दिवीन कोई जहरीले जीव जहर फैलीज को। अरे बिरे कारणु अपा चौथो ईसो काट ना कियो बिमे जहर हो जन ओ को उमर गियो तो बबलू सिंह जी वे राजा साहब तोता ने मारनो बड़ो पिस्तव करी। अरे पाप कर लियो कि आपा पाप कर लियो। अरे तो बबलू सिंह जी वे मोठोड़ा लड़का दो बाने तो राजा साहब राज दियो कोई कोनी कहानी समझ में आई बिने छोटकिया बचाड़ारी कहानी बहुत ही समझ में आई। अरे एन तीसरे नंबर लड़का ने आपरे बेटा बेटा उत्तरा अधिकारी बना दियो बुद्धिमान हो वो तो आपरी बुद्धिमानी हूँ वो लड़को आपरो राजा रो पिताजी रो राज ले लियो
तो हमेशा बबलू सिंह जी विश्वासघात आदमी हकीकत में करे तो बिने सजा देनी चाहिए। अरे और एक अनहुनी अनहुनी बात सुन एन बिना सोच समझ एन बिने भाई सजा देवे जने भाई पाप रो भागी।